नमस्कार दोस्तों दोस्तों 7 मई से 13 मई 2018 तक का साप्ताहिक करंट अफेयर क्विज आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने पर आपको हमारे जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। दोस्तों साप्ताहिक करंट अफेयर के सभी सवालों के सभी जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं और आपको यहाँ पर फ्री में PDF का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले की सुनवाई को किस जगह ट्रांसफर कर दिया है, दिल्ली, आगरा, पटना या पठानकोट? तो इसका सही जवाब है पठानकोट, डी। ठीक है, जिसका विवरण दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले की सुनवाई को पंजाब पठानकोट ट्रांसफर कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले की CBI जांच की मांग ठुकरा दी है। प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में नासा ने लगभग पूरी पृथ्वी के लिए किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा की चेतावनी जारी की है, अल नीनो, सोलर तूफान, सुनामी या भीषण गर्मी? तो इसका सही जवाब है सोलर तूफान, ऑप्शन बी। ठीक है, विवरण दिया है, नासा द्वारा हाल ही में जारी एक घोषणा में कहा गया है कि सूर्य से उठने वाली तेज हवाओं के तूफान का पृथ्वी पर भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सोलर स्टॉर्म्स पृथ्वी के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव छोड़ेगा। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर तीसरा है, नासा द्वारा मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है, ऑप्शन है ऑब्जर्वर, रियलिटी, इनसाइट या जस्ट लाइट? तो ऑप्शन सी है इसका सही जवाब, इनसाइट। तो विवरण दिया है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की संरचना को समझने के लिए इनसाइट यान का संक्षेपण किया है। प्रश्न नंबर चार है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने गांव पलायन के चलते पूरी तरह खाली हो चुके हैं, ऑप्शन है 233, 320, 546 या 734? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 734। विवरण है, उत्तराखंड राज्य से हो रहे भारी पलायन के चलते यहां के 734 गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं और यहां कोई नहीं रहता। ठीक है, प्रश्न नंबर पाँच है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को उनके सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन ए है इसका सही जवाब, उत्तर प्रदेश का। विवरण है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के आवासों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब सरकारी बंगला नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर छः है, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार डिब्बा बंद उत्पादकों में कुल एनर्जी की तुलना में ट्रांस फैट एवं सोडियम की एनर्जी की मात्रा 10% अधिक होने पर उसे किस रंग से दर्शाया जाना चाहिए, पीला, काला, सफ़ेद, लाल? ऑप्शन डी है इसका सही जवाब, लाल। विवरण है, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार डिब्बा बंद उत्पादकों में कुल एनर्जी की तुलना में ट्रांस फैट एवं सोडियम की एनर्जी की मात्रा 10% अधिक होने पर उसे लाल रंग से दर्शाया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर सातवां है, भारत और किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में विदेश सेवा संस्थानों के माध्यम से राजनयिक सहयोग मजबूत करने का समझौता किया, ग्वाटेमाला, पाकिस्तान, रूस या चीन? ऑप्शन ए है इसका सही जवाब, ग्वाटेमाला। विवरण है, भारत और ग्वाटेमाला ने शिक्षा के क्षेत्र में विदेश सेवा संस्थानों के माध्यम से राजनयिक सहयोग मजबूत करने का समझौता किया है। प्रश्न नंबर आठ है, भारत ने लिबरेशन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग ग्रोप्री प्रतियोगिता में कितने रजत पदक जीते हैं, 3, 5, 2 या 8? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 2। ठीक है, विवरण है, भारत के निशानेबाज गगन नारंग और पूजा घाटकर ने चेक गणराज्य के पिल्सेन में लिबरेशन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग ग्रो की प्रतियोगिता में 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। प्रश्न नंबर 9 है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारत और किस देश CBDT के बीच संशोधित दोहरे कराधान बचाव संधि को DTAA अधिसूचित कर दिया है, नेपाल, जापान, रूस या कुवैत? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कुवैत। ठीक है, विवरण है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने CBDT 7 मई 2018 को भारत और कुवैत के बीच संशोधित दोहरे कराधान बचाव संधि को अधिसूचित कर दिया है, DTAA। ठीक है, प्रश्न नंबर है 10, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, 100 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर या 300 मिलियन डॉलर या 500 मिलियन डॉलर?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 200 मिलियन डॉलर। विवरण है, भारत ने 8 मई 2018 को राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पर पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नक्सलियों को सरेंडर करने और मुख्यधारा में लौटाने पर एक घर और अधिनियम 5 लाख रुपए देने का प्रस्ताव को मंजूर दे दी है, केरल, बिहार, झारखंड या पंजाब? इसका सही जवाब है केरल। विवरण है, केरल सरकार ने नक्सलियों को सरेंडर करने और मुख्यधारा में लौटाने पर एक घर और अधिकतम 5 लाख रुपए देने के प्रावधान का मंजूरी दे दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनाइटेड नेशनल पीस कीपिंग कोर्स फॉर अफ्रीकन पोर्टर्स के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, मुंबई, नई दिल्ली, पटना या लखनऊ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। विवरण है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कोर्स फॉर अफ्रीकन पार्टनर्स के तीसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, भारत और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, पनामा, नेपाल, चीन या पाकिस्तान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पनामा। विवरण है, भारत और पनामा ने आतंकवाद के खिलाफ साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2018 में 7.4% की रफ्तार से बढ़ेगी और 2019 में ये कितनी फीसदी तक पहुंच जाएगी, ए 7.9%, 8.8%, 7.8% या 9.8%? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7.8%। विवरण है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% की रफ्तार से बढ़ेगी और 2019 तक यह 7.8% तक पहुँच जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, किस देश की महिला 24 जून 2018 से गाड़ी चला सकेगी, सऊदी अरब, भारत, अमेरिका या नेपाल? तो ऑप्शन ए है, सऊदी अरब। इसका सही जवाब, विवरण है, सऊदी अरब के यातायात महानिदेशक मोहम्मद अल बजमी ने बताया कि देश में महिलाओं के गाड़ी चलाने शुरू करने के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई है और वह 24 जून से गाड़ी चला सकती है। तो दोस्तों, ये थे आपके साप्ताहिक करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं।